नमस्कार, मेरा नाम अंकित प्रधान, मेरे साथ हम मिकुल। आजकल हम लोग जब बाजार से सब्जियां खरीद के ला रहे हैं तो हमारे मन में ये शंका आ रही है कि कहीं ये सब्जी हमारी संक्रमित तो नहीं है। कई लोगों को देखा जा रहा है कि इन सब्जियों को वो घर में लाके साबुन के पानी से या फिर किसी और केमिकल की मदद से इसको साफ कर रहे हैं, जबकि ऐसा करना हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं। तो अगर हम साबुन से नहीं धोएंगे तो कैसे धोना है? तो इसके लिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि जब भी आप सब्जी खरीद के लाए बाजार से, तो सबसे पहले जिस जगह आपने सब्जी रखनी है उसको साबुन के पानी से सतह को साफ कर लें। साफ करने के बाद अपने हाथों को भी अच्छे प्रकार से साबुन से धोएं। साबुन ले लिया आपने और इसको जो तरीके बताए गए आपको उसके हिसाब से साबुन से इसको अच्छे प्रकार से धोना है। हाथ धोने के बाद आप लोग सब्जियों को हल्के गुनगुने पानी में इसको डालें। जैसे सब्जियां हैं पानी गुनगुने पानी में डालने से हमारी सब्जियों के 90-95% बैक्टीरिया या और भी जो उसमें गंदगी है वो हट जाती है। 10-15 मिनट इन सब्जियों को डुबा कर रखने के बाद इस सब्जी को निकाल के इसको चलते हुए पानी से इसको ठंडे पानी से अच्छी तरीके से धोए और रगड़ इसको सतहों को इसको धोए। सब्जियों को अच्छी तरीके से ठंडे पानी से इसको धो के इसको एक छड़ी में स्टोर करते रहे। सब्जियों को अच्छी प्रकार से धोने के बाद हम इसको यहाँ पर हमने स्टोर कर दिया है और इसके पानी निकलने का हम लोग इंतजार कर रहे हैं। इसमें हम एक काम और कर सकते हैं कि जो हमारी पत्तेदार परत वाली सब्जियां हैं तो उनके हम लोग ऊपर के 2-3 परत को हटा सकते हैं, ताकि अगर कोई भी इसमें बैक्टीरिया या अंदर किसी प्रकार की और अन्य गंदगी है तो वो हट सके। ध्यान ये दीजिएगा कि स्टोर करते समय सब्जियों का पानी बिल्कुल पूरी तरीके से सूखा होना चाहिए। अगर इसमें पानी रह गया और इसको हमने फ्रिज में ऐसे ही स्टोर कर दिया तो इसमें बैक्टीरिया के पनपने के लिए इसके अनुकूल उसको एक वातावरण मिल जाएगा। हो सकता है कि ये बैक्टीरिया हमारे सेहत के लिए तो हानिकारक ना हो, लेकिन हमारी सब्जियों को वो 1-2 दिनों में खराब कर देंगे। अब बात आती है कि सब्जियों को साबुन के पानी से या केमिकल से क्यों ना धोएं। तो साबुन के पानी या केमिकल सब्जियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिससे ये साबुन का पानी या फिर केमिकल जो है सब्जियों के अंदर प्रवेश कर जाएंगे और हमारे खाने में भी वो आ जाएगा। तो तरीका हमने बताया, इस तरीके से सब्जी के 90-95% कीटाणु तो वैसे ही जा चुके हैं और जब हम इसको पकाएंगे तो उसके बाद ये पूरी की पूरी तरीके से खाने योग्य हो जाएगा और कीटाणु मुक्त हो जाएगा। एक बात का विशेष और ध्यान रखना है कि जब भी आप सब्जियों को धोएं उसके बाद अपने हाथों को फिर से एक बार अच्छी प्रकार से अवश्य धोएं। और आगे आपसे एक और निवेदन कि सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए जा रहे दिशा निर्देशों का पालन सख्ती से करें और घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।